स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज। में मेरा नाम है लोकेश पंडित, मेरा नाम रोज पंडित। सो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है द सोर्ड ऑफ अल्लाह खालिद बिन वालिद आरे द हीरो ऑफ मुस्लिम्स। चलिए दोस्तों, मिलते थे इस वीडियो में, ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर के नौजवानों में तारीख इस्लाम में दिलचस्पी ना के बराबर है। इस नई नस्ल को इस्लाम की तारीख पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। हालांकि हर दौर की नस्लों को अपने इतिहास को पढ़ना निहायत ही जरूरी होता है, ताकि वो अपने तारीखी अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाली नस्लों के लिए अपना और अपने दीन का नाम रकम कर सकें। मगर आज बहुत अफसोस होता है कि जिस दौर में दुश्मन मुसलमानों के इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, आज उसी दौर में मुसलमान गहरी नींद में सोया हुआ है, और जब जागता है तो हाथ में मोबाइल, स्क्रीन पर टिकटॉक और दिमाग में मुजरे चल रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, मगर ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये बात तो सही। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम सिपाह सालार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी बहादुरी और पैंतरेबाज की दाद गैर मुस्लिम तक दिया करते थे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लकब दिया था, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनका जन्म मक्का में सन 592 ईस्वी में हुआ था। इनके वालिद, जिनका नाम वलीद था, मक्का के नामवर और मालदार शख्सियतों में से एक थे। अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का के मुशरिकों में से उठाकर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर ऐसे दे मारा कि दोनों सल्तनतें इनके कदमों तले आ गिरी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबुव्वत का ऐलान किया था, तब ये काफिर थे, और ऐलान नबुव्वत के 19 साल तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम और मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन थे, हर वक्त इस्लाम को मिटाने की साजिशों में लगे रहते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ही निराली है, वो जिसे चाहे हिदायत दे दे। मुसलमानों और काफिरों के बीच जब जंगे हुआ करती थी तो अक्सर जंगों में काफिरों की तरफ से खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ही फौज की सिपह सालारी करते थे। आपने बारहा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस तो जरूर सुनी होगी कि गजवाए ओहद में मुसलमान जीती हुई जंग हार गए थे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबाओं को पहाड़ी पर पहरेदारी के लिए भेजा था। मगर जब उन सहाबाओं को ऐसा लगा कि हम जंग जीत गए हैं, तब उनमें से कुछ सहाबा पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। इसी का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों पर पहाड़ी के रास्ते से फिर से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को संभलने तक का मौका ना मिला और मुसलमान अपने हाथों ही जंग हार गए। इसी जंग में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। ये खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से ही हुए थे, मगर वो उस वक्त काफिर थे, और इस जंग के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके लिए बद्दुआ भी है कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया हो। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और ही मंजूर था। फतेह मक्का के बाद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी परेशानी में थे, और इनकी परेशानी की वजह थी इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत। वो ये सोचते रहते कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है, तब हमेशा काफिरों को अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के बावजूद मुंह की खानी पड़ी है। कभी कभी आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है, और क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? आप इसी सोच में डूबे रहते तभी उनके बड़े भाई का खत उनको मिला, जिसमें लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में मुझसे सवाल किया है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकल कर इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। इस खत का खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ऐसा रोब पड़ा कि वो फौरन मक्का आए और नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। सही बुखारी की एक हदीस में है कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन अम्पायर की तरफ मुल्के शाम में, जो आज का सीरिया है, अपना एक एलची रवाना किया था,
एक खत के साथ उस एलची को कत्ल कर दिया गया। और उस वक्त एलची का कत्ल ऐलाने जंग हुआ करता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का एक लश्कर रवाना किया जैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कयादत में, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे। दोस्तों, ये वो वाहिद सहाबी है जिनका नाम कुरान पाक में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जैद शहीद हो जाए तो जाफर को अपना अमीर बना लेना, और अगर जाफर शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवा को अपना अमीर बना लेना, अगर वो भी शहीद हो जाए तो फिर तुम अपनी मर्जी से किसी को भी अमीर बना लेना। दोस्तों, जब ये तीनों सहाबी शहीद हो गए तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर डाले। उनकी बहादुरी को देख दुश्मन भी हैरानोकुन हो गए थे। ये जंग खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में मुसलमानों ने जीत ली थी, और फिर ये जंग गजवाए मूता के नाम से मशहूर हुई। इस जंग में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे जोश के साथ लड़े, ऐसी बहादुरी के साथ लड़े कि दुश्मनों को धूल चटा डाली। इस जंग में 9 तलवारें आपके हाथों से टूटी। 9 तलवारें, दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं है। एक तलवार भी किसी मर्द के हाथ से टूट जाए तो क्या कहने। दुश्मनों की सफों में घुस कर ऐसे लड़ते कि दुश्मनों के सरों की लाइनें लग जाती। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक यादगार जंग है जंगी यमामा, जो मुनकर खत्म नबूवत मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ आपने लड़ी। मुसलमानों के लिए ये बड़ी आजमाइश वाली जंग थी। इस बार मुसलमानों का पाला बड़ी जंगजू कौम से पड़ा था। 40 से 60 हजार तक का लश्कर था मुसलमा कज़्ज़ाब के पास, मगर शेर को कभी गीदड़ों की ताकत से डर नहीं लगा करता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में जंग लड़ी गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैतरे बाजी ने मुसलमा कज़्ज़ाब की फौज में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो पीठ दिखाकर बुजदिलों की तरह अपने महलों में जाकर छुपने लगे। मुसलमा कज़्ज़ाब मारा गया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह से नवाजा। हदीसों में आता है कि जंगे यमामा मुसलमान हारने वाले थे क्योंकि दुश्मनों ने एक साथ 700 हुफ्फाज को शहीद कर डाला था, मगर अचानक ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले ही दुश्मनों के काफिलों में घुसकर दुश्मनों को मारने लगे, जिससे दुश्मनों की फौज खौफ खाकर पीछे हटती चली गई। जंगे यरमूक का जब मौका आया, जो रोमन अंपायर के खिलाफ जंग थी, उस जंग में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे। तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। इस वजह से नहीं कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे, बल्कि इस वजह से कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों के खिलाफ मुसलमानों को हर जंग में फतह दिलाते आ रहे थे। इस वजह से मुसलमान ये सोचने लगे कि बिना खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान कोई जंग नहीं जीत सकते। तो इस सोच को मिटाने के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया और इनकी जगह अबू उबैदा इब्ने जरा को आर्मी चीफ बनाकर जंग में भेज दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया, अब मुसलमान इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेगा, मुसलमान हार गए तो। मगर मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से जंगे यरमूक फतह कर ली। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और बोले कि खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज तो खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो क्या तुम समझते हो इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में लगभग 200 जंगें लड़ी हैं और वह दुनिया के पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि काफिरों की तरफ से लड़ी गई जंगे उहुद में भी उनको फतह हासिल हुई थी। इनकी परवरिश तलवार के साए में हुई थी। इन्होंने इस्लाम अपनाने के बाद 7-8 साल तक काफिरों से लगातार जंगें लड़ी और इस्लाम के लिए नए नए मुल्क हासिल करते गए। अपने आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। सहाबा इकराम इनके आसपास खड़े हैं। खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारों कतार रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आप फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां तलवारों नेजों के निशान ना हो। मैंने इतनी जंगें लड़ी और आज मैं एक बूढ़े ऊँट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ।
मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जंग में शहीद का दर्जा हासिल करूं, मगर ऐसा ना हुआ। साहबा फरमाते हैं कि ए खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार का लकब दिया है। अगर आप जंग में मरते तो लोग कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर है कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, अगर जंग में मौत आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। वैसे भाई देखा जाए ना, जो टाइटल था स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, बिल्कुल सही सूट करा है इन पे, है ना। हाँ, मतलब इस वीडियो में बताया गया है कि आपको अल्लाह की तलवार बताई गई है, मतलब कि इन्होंने 200 जंग लड़ी और एक भी नहीं हारी, मतलब कि तारीफ के काबिल हैं। मतलब कि इतनी डेंजर, मतलब कि जंगें उस टाइम की तलवारें क्या, मतलब बहुत खतरनाक, फिर भी वो जीत के, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस वीडियो में ये भी बताया गया था कि मतलब कोई जंग जनरल जो जंग लड़ने जाता है उनसे एक एक तलवार टूटती, इनसे नौ नौ तलवारें टूट जाती थी। यूँ कहते जब भी जंग लड़ा करते तो मतलब दुश्मनों के सिर मतलब कि कटते रहते, लाइन लग जाती और इनकी नौ तलवारें मतलब कि टूटना इस अमेजिंग ब्रो भाई, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, और इन्होंने जो हिस्ट्री बताई मुस्लिम से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग थी, मतलब हमको ये मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा ना, और हम ये वीडियो हमारे लिए नॉलेजेबल भी थी बहुत। हाँ, मतलब कि आके मतलब कि जो हमें हिस्ट्री के बारे में मतलब इन्होंने बताया भी कि आज की जो जनरेशन है वो टिकटॉक चलाती रहती है, मतलब हाँ। को अपने पीछे के पास्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मतलब हमने इस वीडियो के थ्रू हम आने वाली जनरेशन को बताना चाहते हैं कि उनका पास्ट कैसा है, मतलब कितना अच्छा शानदार पास्ट है उनका। हाँ, इनमें ये भी बताया गया जो उनके राजा थे, मतलब उनकी आवाम थी, जो सेना थी, उनको ये भी बताना चाहते थे जो एक ये जो जो ये खालिद बिन वालिद थे, मतलब इनके भरोसे ही ना रहे, अगर ये कल को नहीं रहेंगे तो क्या इस्लाम रहेगा नहीं इनका, है ना। हाँ, एक रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, मतलब जैसे हाँ। कि हम भी किसी अपने दोस्त के भरोसे हो गए, दोस्त मेरी बहुत हेल्प करता है, इसके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे सोच हमें रखनी नहीं चाहिए। इसमें वीडियो में ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि देखो वो इन्होंने जंग इतनी रिस्पेक्ट ली थी, जंग जीती तब भी उनको मतलब कि सेनापति से हटा दिया गया। हाँ। उसकी सेना ये सोचने लगी कि मैं क्या कमी है, मगर उनके राजा उनको ये बताना चाहते थे कि हाँ। आप इनके भरोसे ना रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट वीडियो थी, और कमेंट सेक्शन में हमें ऐसे ही बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।